ये जो मेरे साथ होता है उसे क्या कहेंगे? कुदरत का करिश्मा कहेंगे और क्या कहेंगे? अभी तो ऐसे बहुत से करिश्मे देखने बाकी हैं। सच पेड़ के बीच की तरह होता है, जितना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर आ जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे दृश्यम 2 के 43वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और सर्कस के 8वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे दोनों फिल्मों के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं दृश्यम 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 15 करोड़ 40 लाख का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 104 करोड़ 62 लाख का, दूसरे हफ्ते में 58 करोड़ 98 लाख का, तीसरे हफ्ते में 33 करोड़ 6 लाख का, चौथे हफ्ते में 20 करोड़ 41 लाख का, पांचवें हफ्ते में 9 करोड़ 2 लाख का और अपने छठवें वीकेंड में 3 करोड़ 35 लाख का नेट कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 39वें दिन में 72 लाख का, 40वें दिन में 66 लाख का, 41वें दिन में 58 लाख का, अपने 42वें दिन में यानी गुरुवार के दिन में लगभग 45 लाख का नेट कलेक्शन किया, और इसी के साथ इस फिल्म के 42 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 231 करोड़ 85 लाख हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 276 करोड़ 30 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 55 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 42 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 331 करोड़ 90 लाख हो चुके हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के 43वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 43वें दिन में इंडिया में लगभग 30 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 80 करोड़ है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। अब जानते हैं सर्कस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 6 करोड़ 70 लाख का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 21 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने चौथे दिन में 2 करोड़ 80 लाख का, पांचवें दिन में 2 करोड़ 57 लाख का, छठवें दिन में 2 करोड़ 26 लाख का और अपने सातवें दिन में यानी गुरुवार के दिन में लगभग 2 करोड़ 8 लाख का नेट कलेक्शन किया, और इसी के साथ इस फिल्म के 7 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 31 करोड़ 36 लाख हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 37 करोड़ 70 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 8 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 7 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 46 करोड़ 20 लाख हो चुका है। दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के 8वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 8वें दिन में इंडिया में लगभग 1 करोड़ 70 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 83 करोड़ है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर हो चुकी है। इस साल रणवीर सिंह की 2 फिल्में रिलीज हुई और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर हुई है। रणवीर सिंह अब तक बैक टू बैक 3 डिजास्टर फिल्म दे चुके हैं, पहला 83, दूसरा जयेश भाई जोरदार और अब सर्कस। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से दृश्यम 2 और सर्कस का लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन कितना होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।